खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। माता की, भारत माता की, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और मेरे बहुत पुराने मित्र और आपके इस चुनाव के उम्मीदवार और मंच पर विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और ऐसी भयंकर धूप में भी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूर्वांचल के प्रवेश द्वार का नमन, मार्कंडेय महादेव के दरा, बाबा किनाराम के पुण्यभूमि, शहीद के धरती का नमन, रउआ आप सब इनका हाथ जोड़ी के प्रणाम। भाइयों और बहनों, दो दिन बाद 19 तारीख को आप सभी को, पूर्वांचल को अपने इस बेटे के लिए भारी संख्या में बूथ पर पहुंचना है। याद रखिएगा, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। साथियों, ये सोचकर घर मत बैठिएगा कि 6 चरणों के चुनाव में तो मोदी को सरकार बनाने लायक सीटें मिल ही गई है, आप कौन बूथ तक जाएगा? साथियों, मत भूलिए, मोदी की जीत को और भव्य बनाने का काम पूरे पूर्वांचल का ही है। आपका हर वोट मेरी ताकत बढ़ाएगा, मेरी सरकार को मजबूत बनाएगा, ताकि हम देश को और अधिक मजबूत बना सके। साथियों, बुरी तरह हार देख करके सपा बसपा सहित ये तमाम महामिलावटी आज पूरी तरह से पस्त है। याद कीजिए, इन्होंने मोदी हटाओ के नाम से चुनाव अभियान शुरू किया था। बंगलुरु में एक मंच पर आके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री पद की बात आई तो सब अपना अपना दावा लेकर अपनी अपनी डफली बजाने लग गए। कोई 8 सीट वाला, कोई 10 सीट वाला, कोई 20-22 सीट वाला, कोई 30-35 सीट वाला भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लगा। सपने देखना गलत नहीं, लेकिन देश ने कहा फिर एक बार। भाइयों और बहनों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये देश को
कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने की न इन्होंने जरूरत समझी, न ताकत थी और न जवाब दे पाए। ये देश को नहीं बता पाए कि 21वीं सदी के भारत में स्थिर सरकार कैसे देंगे। ये देश को नहीं बता पाए कि दर्जन भर चेहरों का स्वार्थ देश हित में कैसे हो सकता है। ये देश को नहीं बता पाए कि साल 6 महीने में ही सरकारें गिरती रहेगी तो देश का भला कैसे होगा, गरीब का भला कैसे होगा, विकास कैसे होगा। ये देश को नहीं बता पाए कि इनके विकास का मॉडल क्या है। ये देश को नहीं बता पाए कि राष्ट्र रक्षा, आतंकवाद और नक्सलवाद पर इनका क्या कहना है। भाइयों और बहनों, इन्होंने सिर्फ झूठ, अफवाह और गाली गलौज का मॉडल इस पूरे चुनाव अभियान में देश के सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ जातिवाद का मॉडल आप सबके सामने रखा है। इन्होंने सिर्फ उनका मॉडल डर का मॉडल रखा है, डराने का, भय पैदा करने का। इन्होंने सिर्फ विरोध का मॉडल देश के सामने रखा है। सोचिए, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कोई कारण बनता है क्या? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने का कारण बनता है क्या? ये तो शहीदों की धरती है। ये सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले विरोधी शहीदों का विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एयर स्ट्राइक का विरोध क्या उचित है? एयर स्ट्राइक का विरोध उचित है? सेना के पराक्रम का विरोध उचित है? घुसपैठियों की पहचान का विरोध करना, नागरिकता कानून का विरोध करना, 3 तलाक कानून का विरोध करना, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध करना, लोकपाल की नियुक्ति का विरोध करना, शत्रु संपत्ति कानून लागू करने का विरोध करना और कदम कदम पर मोदी का विरोध करना। जबकि आपका ये सेवक भारत को विकसित और वैभवशाली बनाने का मॉडल लेकर आपके बीच में पिछले 5 साल से जी जान से लगा हुआ है। भाइयों और बहनों, हम उस राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति में पले बड़े हैं जहां खुद से बड़ा दल और दल से भी बड़ा देश होता है। यहीं की संतान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों को हमने आत्मसात किया है। हमने भारतीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सबका साथ सबका विकास का रास्ता अपनाया है। साथियों, निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से सेवा का ही परिणाम है कि आज भारत की दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान विज्ञान को लेकर दुनिया पहले से कहीं अधिक चर्चा कर रही है। आर्थिक रूप से एक सशक्त देश के रूप में हम उभर रहे हैं। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि 21वीं सदी का युवा आज देश को 2014 से पहले के दौर में वापस भेजने के लिए तैयार नहीं है। ये वो दौर था जब आए दिन घोटालों की खबरें अखबार में छाई रहती थी। ये वो दौर था जब भ्रष्टाचार के खिलाफ देश
सड़कों पर उतरा हुआ था। ये वो दौर था जब आए दिन बम धमाकों की खबरें हिंदुस्तान को परेशान करती थी। ये वो दौर था जब महंगाई की दर चरम पर थी और विकास की दर धरातल पर थी। 2014 से पहले देश घोर निराशा और अविश्वास के दौर में था। साथियों, इस स्थिति को बदलने के लिए ही आपने एक मजबूत सरकार चुनी, इस सेवक की सरकार चुनी। आपके इस सेवक ने पूरी निष्ठा से देश को आशा और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। आज देश के युवा साथी को विश्वास हुआ है कि उनके सपने और आकांक्षाएं पूरे हो सकते हैं। आज गरीब से गरीब को भी एहसास हुआ है कि सरकार गरीब की भी बात सुन रही है। जब गरीब को अपना घर मिलता है, शौचालय मिलता है, मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था मिलती है, घर में बिजली आती है, सड़क मिलती है, तब उसको विकास का विश्वास होता है। यही कारण है कि देश का युवा आज मोदी के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। और सबको सुरक्षा सबको सम्मान, ये हमारा प्रण है। इसी लक्ष्य के साथ हम छोटे किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद जमा कर रहे हैं। 23 मई को ये बात जब फिर एक बार हफ्ते के बाद फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी, तब यूपी के हर किसान परिवार को ये मदद मिलना शुरू हो जाएगा। और भाइयों बहनों, कुछ लोग झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, हमारे गरीब किसान को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, पूरे हिंदुस्तान के किसानों को कहना चाहता हूं, ये जो पैसे हम आपके खाते में जमा कर रहे हैं, ये पैसे आपके हैं, आपके हक के पैसे हैं। ये पैसे आपकी सहायता का लिया है, इसको कभी कोई वापिस नहीं ले सकता है। वापिस करने बाकी जो झूठ फैलाया जा रहा है, ये झूठे लोगों को पहचानिए। ये पैसा आपको बीज, खाद और कीटनाशक जैसी छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी के दरवाजे पर ना जाना पड़े, इसके लिए ये चौकीदार आपके खाते में पैसा जमा कर रहा है। हमने ये भी तय किया है कि छोटे किसानों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आज चंदौली में बताना चाहता हूं, हमने ये भी तय किया है कि जो छोटे किसान है, जो खेत मजदूर है, जो छोटे दुकानदार है, जो छोटा मोटा मेहनत का काम करते हैं, हम एक ऐसी योजना बनाने वाले हैं कि 60 साल के बाद हर महीने इन सबको पेंशन मिलना शुरू हो जाए, ताकि उनको बुढ़ापे में तकलीफ ना हो। साथियों, चंदौली सहित
पूर्वांचल का ये क्षेत्र धान के लिए मशहूर है। यहां के शुगर फ्री चावल की बड़ी चर्चा रही है। आप तो बनारस में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी बन गया है। आपका शुगर फ्री चावल की पहचान और बनारस का ये नया रिसर्च सेंटर ये यहां के किसानों की बहुत बड़ी ताकत बढ़ाने वाला है। इससे यहां के किसानों को नए और अच्छे बीजों के लिए विशेषज्ञों की राय के लिए और आसानी होगी। भाइयों और बहनों, पूर्वांचल को विकास की नई पटरी पर लाने के लिए हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं। रोड और रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में व्यापक कार्य हो रहे हैं। यहां पर अब खाद की रैंक की सुविधा भी मिल गई है। यहां रेल लाइनों का तेजी से बिजलीकरण भी हो रहा है। इसी तरह बिजली अब गांव गांव घर घर पहुंच रही है। जबकि एक सपा बसपा का भी दौर था जब बिजली भी वोट बैंक के आधार पर बांट दी जाती थी। साथियों, विकास के ये तमाम काम तभी संभव है जब देश सुरक्षित रहेगा। हमारी नीति बिल्कुल साफ है, हमारे जवानों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। खतरा चाहे सीमा के भीतर हो या सीमा पार, हम आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। भारत का खाकर पाकिस्तान के गुणगान गाने वाले अलगाववादियों के साथ हम सख्ती से निपट रहे हैं। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश का मुझ पर इतना स्नेह रहा है, इतना आशीर्वाद रहा है कि यूपी के लोगों ने मिलकर 2014 में 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनवाई। अब 2019 के चुनाव में भी यूपी के मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने जो काम किया है और दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पॉलिटिकल ज्ञान परोसने वालों के सारे गुणा गणित को उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं ने पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। इस बार के चुनाव में भी पहले 4-5 चरण में ही यूपी के लोगों ने भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार पक्की कर दी है। यूपी ने एक मजबूत सरकार के लिए, बुलंद हौसले वाली सरकार के लिए मतदान किया है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि अब बंगाल यूपी की तरह ही हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहा है। जैसे आपने 2014 में ठाना था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएंगे, वैसे ही 2019 में बंगाल ने बीजेपी को इस बार 300 सीटें पार कराने की ठान ली है। भाइयों और बहनों, सुरक्षित, सक्षम, सशक्त
और समृद्ध भारत के इसी संकल्प को और मजबूत करना है। बूथ बूथ पर कमल खिलाना है। आपका हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में आएगा। आप यहां भारी संख्या में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यहां के वीर शहीदों को नमन करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।